एस न्यूज सच का साथी। यूपी के रामपुर में आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हमें हरा दे, वो तो हम धोखे से हार गए, वो भी ऐसा धोखा जो हम समझ नहीं पाए, और जब लोगों ने इसको समझ लिया तो हम लोग मुख्यमंत्री को भी हरा कर वापस लौटे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए मंच से कहा कि भाजपा के लोगों ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम भी लैपटॉप बांटेंगे, लेकिन वो आज तक एक भी लैपटॉप नहीं बांट पाए। और यही नहीं, जैसे ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनी भाजपा की तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम सबसे ज्यादा पुलिस की भर्ती करेंगे। 17 महीने गुजर गए, अभी तक पुलिस की भर्ती का कोई भी अता पता नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा पुलिस में भर्ती हमने की है, और वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार में अपने कार्यकाल में 70,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती हमने की। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि हम समाजवादी लोग समझाने में आगे हैं और भाजपा के लोग बहकाने में आगे हैं। वहीं अखिलेश ने गठबंधन पर कहा कि भाजपा ने कहा था कि बताओ समाजवादी लोग किससे गठबंधन कर रहे हैं, समाजवादी लोग किन दलों को जानते हैं, समाजवादी लोग उनका साथ ले रहे हैं जो बिल्कुल जीरो है। बताओ, जीरो वाली पार्टियों ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया, एक तरफ तो देश जीरो, तो दूसरी तरफ जीरो वाली पार्टियों ने गठबंधन करके कैराना जैसी सीट भी जीत ली, और उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी के हाथ कुछ नहीं लगा। काले धन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम तो हमेशा से कहते हुए आए हैं कि धन कभी काला सफेद नहीं होता, हमारा लेन देन काला सफेद होता है। रामपुर से हारून पाशा की रिपोर्ट। एक जीरो, दूसरी तरफ दूसरा जीरो वाले से गठबंधन कर रहे हैं, तो हमने उनसे कहा कि देखो हम समाजवादी लोग हैं, नहीं देना होगा जिन लोगों की जान चली गई नोटबंदी के समय पर, जिस तरीके से 500,000 रुपए नहीं आ सकते उसी तरीके से जिनकी जान चली गई, अब एक भी वापस आने वाला नहीं।